कौन जुड़ा है आशय ठाकरे के लाइव में उनके साथ, आपको बता दें कि आशय जो है वो 2:30 को लाइव आए थे वुमेंस डे स्पेशल को लेकर, और बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातें की, लेकिन कुछ कुछ बातें बहुत मज़ा आया सुनकर। जैसे ये एक छोटा सा क्लिप है जो इस समय वायरल हो रहा है, ये जो कन्वर्सेशन था बहुत मज़ा आया सुन के। साथ शिव की तारीफ भी की जो उनके साथ ज्वाइन हुई थी लास्ट में, तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। सुम्बुल और शिव, इन दोनों का बॉन्ड बाहर बहुत पसंद किया जा रहा है भाई। अभी शिव सुम का एक अलग शिपर चल रहा है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि शिव जिस तरीके से उनका बिग बॉस का जर्नी रहा है, जिस तरीके से उनका गेम रहा है, और जिस तरीके से अभी जो वो लाइफ जी रहे, ये सारी चीज़ें मैजिक है लिटरली। ये चीज़ खुद शिव ठाकरे कह रहे हैं कि रियली लिविंग माई मैजिकल लाइफ। एक पोस्ट भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने पिन करके रखा है रील्स में हाल ही में ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही शिव ने इन चीज़ों पर खुद अपनी राय रखी है कि हाँ मेरे को बहुत सारे काम मिल रहे हैं, अब जनता मुझे पसंद कर रही है, और अब मुझको मीडिया अटेंशन जो चाहिए था, जो जनता का अटेंशन चाहिए था, जो पराजिस का जो अटेंशन चाहिए था, वो अभी सब मिल रहा है। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहो। और साथ ही साथ ये भी अभी हाल ही में राज ठाकरे से भी मिलने पहुँचे थे, तो बाहर आने के बाद यही बयान दिया कि यार जो मेरे जैसे गांव से लोग आते हैं ना, जिनको सपने बहुत बड़े होते हैं, अगर वो ज़िंदगी में 100% में से वो 20-30% भी कुछ अचीव कर देना, तो उनके पीठ पे कोई थपथपाई देने वाला चाहिए कि यार हम सही जा रहे हैं। तो राज सर ने यही किया मेरे साथ, मेरे को थोड़ा पीठ थपथपाया कि सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो सपने मैं लेकर आया था ना अमरावती से, छोटे छोटे से गांव से जो सपने लेकर आया था बड़े वाले, बड़े पर्दे पर दिखने के, अब शायद वो सपने पूरे होने वाले हैं जल्दी। यही चीज़ शिव ने अपने लाइफ में भी इस चीज़ का खुलासा किया था। शिव ने ये कहा था कि अब जो मेरे सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अभी एक जस्ट मैंने मूवी साइन किया है, ये पहले वाला लाइव है, आज वाला नहीं। उसमें बोले थे कि अभी जस्ट मैं होटल में ही हूँ, मैंने जस्ट मूवी साइन की और आप लोगों से बात करने के लिए आ गया, 2-3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा और बताऊँगा। लेकिन शिव ने अभी तक इन चीज़ों पर कुछ बताया नहीं है भाई, खुलासा नहीं किया है। तो आज के लाइव का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें शिव की तारीफ हो रही है, ये सुन सकते हो आप। जी आप देख सकते हो, वो लड़की ने एक चीज़ बोली शिव को जो लास्ट में आपको थोड़ा आवाज़ सुनाई नहीं देगा ठीक से। वो लड़की कह रही है, छोटी जो बच्ची हो, कहती है कि आप तो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। इसके बाद शिव बोलते हो वो शेड दिन बना दिया मेरा, मतलब मज़ा आ गया, दिन बना दिया मेरा ये सुन के, सच्ची में स्मार्ट लग रहा हूँ। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? शिव जो है, देखो एक चीज़ है कि मीडिया अटेंशन तो इस समय बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन जो फैंस का अटेंशन है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रहे हैं उनकी भी। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बन रही हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।